हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हमसे फिर से आपसे डिस्कस करने वाले हैं एसएएल यूजी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएएल यूजी 2022 के सेकंड राउंड के बारे में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड राउंड में जो भी स्टूडेंट्स कौन कौन स्टूडेंट्स को सीट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में गलती की थी, वो आपको सेकंड राउंड को स्टूडेंट्स को नहीं करनी है, वरना आपका सीट है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक चीज, एक एक जो आपको पॉइंट यहाँ पे बताया जाएगा वीडियो में, वो आप ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने रिजल्ट आने से पहले आप जो है वो चीजें आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सभी स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन सब और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस सारे अलॉटमेंट लेटर और सबके लेटर्स आपके पास, प्रोविजनल लेटर भी आपके पास आ चुका हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो स्टूडेंट्स सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं, ठीक है, इस सेकंड राउंड का आपका डेट है, रिजल्ट डेट है 30 तारीख, मतलब 30 तारीख को, आज आपका 29, तो कल की डेट में आपका 30 को आपका रिजल्ट है आपकी ऑफिशियल साइट पर जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है, किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिलेगा, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन किया है, ठीक है, जिनको सीट मिला है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर किसी को मिला है और उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो उन्होंने अपग्रेडेशन डाला, तो उनको सीट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यदि सीट बीएससी एग्रीकल्चर का वैकेंट रहेगा तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। हालांकि बीएससी एग्रीकल्चर की काफी सीटें अभी भी वैकेंट है, तो आप अपनी रैंक है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स सेकंड राउंड में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमारी टीम आपका रिप्लाई कर देगी। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबके कमेंट्स के रिप्लाई आपको दिए जाएंगे यदि आप चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर हो, और साथ ही साथ हमने पूरा अपनी रैंक, अपना जो भी कैटेगरी मेंशन किया हो, कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है, और साथ ही साथ, ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपकी कमेंट्स हम रिप्लाई दे पाएंगे और तभी आपके पास उनकी रिप्लाईज पहुंच पाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से जाके लाल बटन को दबा लीजिए, आपके सारे रिप्लाई दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को जिनको सीट मिल चुका है वो इस राउंड में जो उनको सीट मिलेगा, और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स को अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला है, तो उन स्टूडेंट्स को इसी राउंड में सीट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को जिनकी रैंक 10,000-12,000 तक है, उनको भी ये सीट सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, यदि उसकी चॉइस परफॉर्मेंस अच्छी है तो। ठीक है, तो उनको भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो आगे की प्रोसेस रहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स है वो डेट भूल जाते हैं, तो पूरा डेट आपको ध्यान में रखना कि किस तरह से आपका सेकंड राउंड में किस डेट को क्या होने वाला है, वो एक बार आपको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो 30 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, 30/12/2022, मतलब आप कल आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में जैसे आपको रिजल्ट आएगा, कैसे चेक करना है वो आपको अपनी ऑफिशियल साइट पे जाना है, जो भी आपकी आईसीआर काउंसलिंग, ठीक है, या ICER exam.net पे जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर पे एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के ओपन कर लेना है। ठीक है, अब जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं दिखा, जिसके नोट अलॉटमेंट दिखा होता, यदि उसको सीट मिलेगा तो सेकंड राउंड में उसको कॉलेज का नाम, ठीक है, उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पे आईडी ओपन हो जाएगा। यदि किसी को सीट सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पे नोट अलॉटमेंट लिखा आएगा, वही आपका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेड किया तो वो उसको दूसरे वहीं पे उसी के नीचे सेकंड राउंड लिखा आएगा, और उसके साथ ही आपको सीट दूसरे कॉलेज मिल जाएगा और कोर्स भी अलॉटमेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। और 30 को आपको जो है 30 को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने लगेंगे, 30 तारीख को अपना आईडी ओपन हो जाएगा, और आपको 2 तारीख तक सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, अब अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो आपको लास्ट बताया जाएगा, और किन स्टूडेंट्स को अपलोड करने हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि जिनको सीट मिल चुका है, जिन्होंने पहले अपलोड किया क्या उनको दोबारा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 तारीख तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चलेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। 4 तारीख तक यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, 2 तारीख को आपको कंप्लीट हो जाएगा, 3 या 4 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो उसको फिर से टाइम दिया जाएगा 5 तारीख तक का। ठीक है, मतलब 5 को भी आप फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, केवल वही स्टूडेंट करेंगे जिन्होंने पहले 2 तारीख को अपलोड किया। ठीक है, तो 2 तारीख तक आपको सबको, सारे जिनको सीट मिलेगा उनको सबको डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड कर देना है, जो पहली बार कॉलेज मिलेगा और जो अपग्रेडेशन किया और उनको दूसरा कॉलेज मिला तो उनको फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ओके, उसके बाद में यदि कोई करेक्शन होता है तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स 5 तारीख को करने होंगे, और 5 तारीख को ही आपका जो री अपलोडिंग होगा उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद में 6 तारीख को आपको पेमेंट करना है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले पेमेंट नहीं किया या पहला सीट मिला उनको पेमेंट किया तो उनको नहीं करना है, और जिनको फिर से मतलब कि जिनको पहली बार सीट मिला तो उनको फिर से अब जो है 10,000 रुपये पे करने होंगे, चाहे ऑनलाइन आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने पहले पेमेंट कर दिया है उनको नहीं करना होगा, जिन्होंने किया ठीक है, हालांकि नई अपडेट्स क्या आएंगी वो आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। उसके बाद में आपको पेमेंट करने के बाद आपको लेटर डाउनलोड करना है या आपको अपग्रेड करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। यदि किसी को कॉलेज पसंद नहीं आती है तो फिर से यदि आप अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो, ओके। उन्हें पहले पेमेंट किया उनको पेमेंट नहीं करना होगा। जो अभी इस पहली बार आपको सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब फर्स्ट राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, तो फिर से आपको पहले पेमेंट नहीं किया तो अभी आपको 10,000 पेमेंट करना होगा। उसके बारे में हम आपको जैसे रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ आपका आपको लेटर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यदि आप अपग्रेड नहीं करना है तो अपग्रेड बाद में आप वो यदि कॉलेज लेना हो तो कॉलेज ले सकते हो, यदि आपको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड कर सकते हो, उसमें जो पहले फर्स्ट राउंड की सीट मिला है वो भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको पूरा शेड्यूल हो गया। अब हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से, ठीक है। वैसे तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप अभी तैयार कर लीजिए क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जब जाते हैं तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई भी गलतियां हो जाती है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप बनवा के अपने पास रख लीजिए, जिनको पहले सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, सेकंड राउंड में उनको मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखें, उनकी कॉपीज आपको वहां पे ऑनलाइन में सबमिट करने। अब वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको हम दिखा देंगे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोडेड करने हैं, ओके। तो कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने मिला लीजिएगा, ऑनलाइन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपका 10th का, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का, तो 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, और दोनों के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। यदि नहीं है तो 10th का 12th का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हो, ओके। उसके बाद में एडमिट कार्ड आपके अपलोड करना होगा, और उसके बाद में आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, वो सभी स्टूडेंट्स के पास है। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट बोलते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट वो अपलोडेड करना होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, वो चाहे आप स्कूल से लो या कॉलेज से लो, वो दोनों ले लेना है, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोडेड करना होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। जनरल का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनको वो अपलोड नहीं करना होगा, बाकी जो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस है उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, ठीक है। ये नहीं कि बाद में कि सर मेरे पास ये है नहीं, 7 महीने पुराना है, 7 महीने से आपका पुराना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सर ये बाद में क्या टीसी मेरे पास अभी नहीं है बाद में दे दूं, तो वो सब इश्यूज नहीं चलेंगे क्योंकि आपके पास यदि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी, ठीक है। फिर आप मोपअप में डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे। तो अभी आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स है वो 30 तारीख से या 2 तारीख से पहले पहले अपने पास रख लीजिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले अपने पास रखो, ठीक है। तो ये आपका पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस डेट को क्या होने वाला है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना रैंक, ठीक है, मैंने पहले ही बताया वीडियो के पहले में कि अपनी रैंक, अपना कैटेगरी और साथ साथ कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिए वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आ चुकी होंगी, सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ अपनी रैंक, अपना कैटेगरी और साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिए वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। यदि आप हमारे सब्सक्राइब हो, यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक अभी चैनल नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ICAR UG PGL PhD की सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सोल्व किए जाएंगे। तो उसी के साथ आपको यदि हॉस्टल के ब्लॉग्स देखने हैं और आपको कॉलेज के ब्लॉग्स देखने हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का मिल जाएगा, आज के ब्लॉग्स वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही।